हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इंडियन रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल के पदों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। फ्रेंड, इंडियन रिजर्व बटालियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। इंडियन रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल जिद्दी के पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड, टोटल पद की बात करें फ्रेंड तो 17,000 पद पर वैकेंसी आया हुआ है कांस्टेबल जिद्दी के पद पर। आयु की बात करें फ्रेंड तो उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2023 तक 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी फ्रेंड, आप लोग को जो उम्र काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक, अगर आप लोग को 18 से 25 वर्ष हो जाता है तो आप लोग फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। नोट, आयु में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगी। कहने का मतलब फ्रेंड, ओबीसी को जो अभी भी छूट मिलता है, वो पहले भी मिलता था। ओबीसी को चाहे एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल का उम्र में छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, तो इस भी वैकेंसी में फ्रेंड मिलेगा। यानी ओबीसी वाले 18 से 28 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 18 से 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड, जनरल वालों को कोई उम्र में छूट नहीं मिलता। यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड कि किस स्टेट में कितने पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड 5,000 पद पर वैकेंसी आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में 4,000 पद पर वैकेंसी है। झारखंड में 3,000 पद पर वैकेंसी है। उड़ीसा में 3,000 पद पर वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 2,000 पद पर वैकेंसी है। टोटल जोड़िएगा फ्रेंड तो 17,000 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। और ऐसा ना फ्रेंड कि सिर्फ जो मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पद आया हुआ है तो दूसरे राज्य के विद्यार्थी नहीं भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी भर सकते हैं। लेकिन उनका जो सिलेक्शन, मान लीजिए कि आप सिलेक्ट होते हैं, पास होते हैं, तो आप लोग को मान लीजिए कि आप लोग को जम्मू कश्मीर मिलता है तो आप लोग को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देना होगा। ऐसा नहीं कि जो जम्मू कश्मीर में 5,000 पद है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही विद्यार्थी भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के फ्रेंड इसमें विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड, पात्रता एवं मापदंड। उम्मीदवार को 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी फ्रेंड, आप लोग अगर 10वां पास हैं किसी भी विद्यालय से, किसी भी बोर्ड से, तो फ्रेंड इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, आवेदन शुल्क। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा और अन्य सभी को 0 रुपया लगेगा। कहने का मतलब फ्रेंड, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा और बाकी जो भी हैं उन्हें 0 रुपया लगेगा, चाहे तो महिला हो चाहे एससी एसटी हो, सबको 0 रुपया लगेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, ये बताया गया है आपको सिलेक्शन चरण के बारे में फ्रेंड, कि आप लोग को सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले इसमें फ्रेंड पीईटी पीएचटी होगा, यानी सबसे पहले आप लोग को रनिंग होगा, हाइट वेट चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद आप लोग को लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आप लोग को मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, उसके बाद आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, फिजिकल के इसको में देख लेते हैं कि फिजिकल किस तरह से होता है। फ्रेंड, पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग तय करना होगा और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में तय करना होगा। ऊंचाई की बात करें फ्रेंड, पुरुषों के लिए तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुषों को, और महिलाओं को 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। केवल पुरुषों के लिए छाती नाप जाएगा फ्रेंड, महिलाओं को छाती नाप नहीं नापा जाएगा। पुरुषों का छाती होना चाहिए फ्रेंड 80 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फ्रेंड 170 क्यों हाइट मांग रहा है, इतना छाती क्यों मांग रहा है पुरुषों को, क्योंकि फ्रेंड जो नक्सलवाद है ना, नक्सली क्षेत्र में आप लोग को ड्यूटी दे देना होगा, यानी नक्सलाइट वाला एरिया में आप लोग को ड्यूटी देना होगा। वजन ऊंचाई के अनुसार आप लोग को नापा जाएगा फ्रेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड, यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया फ्रेंड, आप लोग को रीजनिंग से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, गणित से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, और हिंदी या अंग्रेजी में से आप लोग को एक चुनना होगा कि आप लोग हिंदी लीजिएगा कि अंग्रेजी लीजिएगा, उससे आप लोग को 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो टोटल फ्रेंड आप लोग को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, यानी टोटल नंबर, टोटल परीक्षा में जो आप लोग को नंबर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, और 100 नंबर में ही आप लोग को फ्रेंड मेरिट लिस्ट लगेगा। और फ्रेंड इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा कि आप लोग गलत करते हैं तो सही में से आप लोग को नंबर काट लिया जाएगा। और फ्रेंड जो एग्जाम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, आप लोग दोनों भाषा में दे सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, कौन आवेदन कर सकता है। तो पूरे भारत में पुरुष और महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों को, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड फॉर्म भराना अगस्त के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सितंबर महीने तक फॉर्म भरा जाएगा।
तो फ्रेंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।